hello everyone how are you hope you are fine and enjoying study i'm kinjal sunchandra your science teacher this is the first chapter which we have already started in last session and in that we have seen study of bones is called osteology as well as some points about bones right now we go to the skeleton नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्केलेटन वॉट इज स्केलेटन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 206 हंड्रेड बोन्स हमारी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं इन साइड आर बॉडी देट आर कनेक्टेड टूगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है उसे बोलते हैं स्केलेटन देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा जो है वो ह्यूमन स्केलेटन है। और उसमें 206 सौ छः बॉन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट द बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर ऑर्गेनाइज इन टू अ स्केलेटल सिस्टम जो भी बोन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं स्केलेटल सिस्टम में पूरी द स्केलेटन हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन स्केलेटन के अपने फंक्शन होते हैं मतलब कि स्केलेटन हमें कहाँ पे यूज़ होता है जो भी बोन्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं वो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड द बेजिक सेप ऑफ़ दॉडी वो क्या करता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और बेजिक सेप देता है विदाउट स्केलेटन द बॉडी वुड बी अ सेपलेस हीप ऑफ टिश्यूज मतलब कि अगर स्केलेटन नहीं होता तो हमारी बॉडी में कोई भी सेप होता ही नहीं इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट ऑर्गन को हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है जैसे कि हमारी अंदरूनी जो बॉडी होती है उसे वो प्रोटेक्ट करता है दिस स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द रिप्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग देखो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मतलब हेड का उसे बोलते हैं स्कल स्कल क्या करता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एंड द रिब्स ये जो पार्टीशन है उसे बोलते हैं रिप्स रिप्स क्या करते हैं हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल्स क्या होते हैं वो बोन्स से अटैच होता है मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू मूव द पार्ट्स ऑफ द बॉडी मसल्स और बोन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी को मूवमेंट देने के लिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं बोन्स ऑल्सो कंटेन बोन मेरो बोन्स में क्या होता है बोन मेरो होता है वो क्या करता है जो भी फैटी सब्सटेंस है मतलब कि मोटे मोटे जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं ब्लड को फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ होता है बोन्स ऑल्सो कंटेन मिनरल्स बोन्स में क्या क्या होता है और मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम एंड फोस्फरस कौन सी चीज़ें होती है बोन्स में कैल्शियम एंड फोस्फरस देखो हमने आज पढ़ा ये स्केलेटन के बारे में स्केलेटन में सबसे पहले 206 बोन्स होते हैं ठीक है और ये क्या करता है सबसे पहले हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और बेसिक सेव देता है ये जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ये रिप्स है वो क्या करता है हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और बोन्स में बोन मेरो होते हैं वो क्या करते हैं ब्लड वेसल्स को अपनी अटैच करने के लिए हेल्प करता है